वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फ़ैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल एंड खुश्याम दीद टू माई ब्लॉग क्या हाल चाल हैं आप सबके आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें खुश पाश रहें ठीक ठाक रहें और अल्लाह ताली आप सबको अपने अफज़ा अमान में रखें आमीन सुम आमीन सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग में जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जब वीकेंड होता है और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की हम लोग की क्या रूटीन होती है सो थर्सडे को अक्सर मैं ये करती हूँ कि मैं जो है वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ और पूरे घर की क्लीनिंग भी जो है वो कर लेती हूँ वॉशिंग मशीन इसलिए लगाती हूँ कि सोफ़े के जो कवर मैंने बिछाए हुए होते हैं सोफ़े पर वो और जो भी इस तरह के कपड़े वगैरह जो रह जाते हैं वो मैं धो लेती हूँ और फिर घर भी अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ तो इस तरह फ्राइडे सैटरडे हमारा घर बिल्कुल क्लीन रहता है और ये इस तरह सफाई रहती है और अगर कोई मेहमान वगैरह आ भी जाएँ अचानक से तो आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो तो वीकेंड पे तो बिल्कुल मैं अपना घर को जो है वो गंदा नहीं छोड़ती सो हम लोग की यही जो है वो रूटीन होती है और अभी घर की अच्छी तरह से जो है वो मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ और वॉशिंग मशीन जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है अभी बस मैं ये बखोर करूँगी ताकि घर में जो है वो बहुत अच्छी सी जो है वो खुशबू हो जाए यहाँ पे जो है वो आ, मैंने चाय स्किप कर दी थी और आइसक्रीम रखी हुई थी सोचा चलो आइसक्रीम खाते हैं और ये किट कैट इसको जो है वो मैंने अच्छी तरह से जो है वो कूट लिया है बेलन से और ये छोटी छोटी जो है वो हो जाएगी तो फिर बस इसे आइसक्रीम के ऊपर डाल देंगे और एक साथ में किट कैट रख देंगे तो मज़ेदार सी जो है वो आइसक्रीम बन जाएगी किट कैट की तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप फ्राइडे और जो है हम लोग की आज जो है हस्बैंड की छुट्टी है फ्राइडे के दिन सो हम लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं बीच पे एज़ यूजल और जब तक गर्मी आए हमने सोचा क्यों ना दोबारा से जो है वो समंदर जाया जाए और अभी हम आए हैं सुमैसमा नॉर्थ बीच की साइड पे और ये इसका एंट्रेंस है यहाँ पे जो है वो फिफ्टी रंट्री है फिफ्टी कतरी रियाल सो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है अंदर वाशरूम बहुत अच्छे से जो है वो क्लीन मिलेंगे और जैसे समंदर पर जब नहाओ वग़ैरह तो फिर वॉशरूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सो इन्होंने यहाँ पर जो है शेड्स वगैरह भी लगाए हुए हैं और इनकी टाइमिंग और ये टिकट्स वगैरह यहाँ सब मेंशन है साथ ही जो है हम लोग अंदर एंटर होते चुके हैं वॉशरूम क्लीन मिल जाए तो फिर जाने आने में बच्चों के साथ जो है वो फिर आसानी रहती है इसलिए हम लोग इस दफ़ा जो है वो ये वाले बीच पर आए हैं और यहाँ हम लोग अब बस अभी जाएँगे और अपने लिए जो है वो देखेंगे जगह कहाँ बैठना है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो काफ़ी पहले से भी आए हुए हैं और हम लोगों को कोई शेड तो मिला नहीं लेकिन हम लोगों ने जो है वो बाहर ही बैठ गए थे और ज़्यादा इतनी कोई धूप नहीं थी अभी जो है तक असर से असर से पहले का टाइम है और बस अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क वगैरह करेंगे और जाके जो है वो बैठेंगे घुमाती हूँ नहीं है हाँ बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे लोग आते हैं नहीं खबर ऐसे अंदर नहीं जाओ पूरा जाने जाओ सो so, हम लोग यहाँ पे आते ही जो है वो हम लोग बैठे नहीं बल्कि अपना सामान वगैरह रख के और सीधा पानी में आ गए और आ इस दफ़ा तो मैं काफ़ी जो है वो फ़र्स्ट टाइम आई थिंक पहली दफ़ा आई हूँ समंदर में जब से हम यहाँ समंदर में आते हैं आप लोगों ने देखा ही होगा मैं ज़्यादातर जो है वो बाहर ही बैठी होती हूँ लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं भी हिम्मत कर ही लेती हूँ और चली जाती हूँ पानी के अंदर और जो है वो काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही थी क्योंकि जाहिर बात है गीले हो जाने के बाद तो फिर हवा लगती है तो सर्दी लगती है और शाम हो गई थी हम लोग को पानी में ही फिर हम लोग बाहर आ गए थे वॉशरूम वगैरह से जो है वो फ्री हो के नहा धो के सब फिर यहाँ पे आराम से हम लोग जो है वो आके बैठ गए हैं और सनसेट हो चुका है बस हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और फिर जब रात हो जाएगी तो वापस घर चले जाएंगे नेक्स्ट डे सो so, यूँ हमारा फ्राइडे का दिन जो है वो पूरा का पूरा जो है वो स्पेंड हो गया था बीच पे और अब अभी है जी सैटरडे मॉर्निंग और मॉर्निंग तो नहीं है खैर अब हो रहा है जी दोपहर लंच का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन सिक्सटी फाइव जिसकी जो है मैंने मैरिनेशन रेडी कर ली है और जो इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पर भी मैंशन हो रहे हैं ये सब मैंने डाल के चिकन को अच्छे से मेरीनेट कर लिया है और ये मेरी छोटी बेटी भी यहाँ मेरे साथ बैठी हुई है साथ ही जो दूसरे मसाले आपने देखे थे वो मैंने निकाल लिए हैं और बस अभी से जो है वो मैं चिकन को फ्राई करना स्टार्ट करूंगी मैंने यहाँ पे दो इसलिए डाली थी क्योंकि मैं अभी टेस्ट करी थी उसके बाद नमक मिर्चें जो है अपने हिसाब से टेस्ट करने के बाद जो है वो फिर मैं इनको सारी जो है वो चिकन फ्राई कर लूँगी सो so, यहाँ पे मैंने सब चिकन जो है वो टेस्ट कर ली थी पहले चिकन उसके बाद उसमें मैंने नमक वगैरह ऐड करके और जो है वो दोबारा से फ्राई करना स्टार्ट कर दी है साथ ही अब मैं इसका जो है वो मसाला भी प्रिपेयर कर लूँगी जब तक चिकन फ्राई होती है मसाला रेडी हो जाएगा जिसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो ऑयल ले लिया था उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है तकरीबन मैं डालूँगी एक टी स्पून जो है वो फुल भर के और इसे जो है अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसकी अच्छी सी जो है वो एक खुशबू आ जाए जब लहसन जब हम ऑयल में डालते हैं तो एक मज़ेदार सी जो है वो खुशबू जब उठती है तब उसमें हम दूसरे मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे सो so यहाँ पर मैंने ज़ीरा ले लिया है एक टी स्पून और यहाँ पर मैंने तीन से चार गोल वाली मिर्चें ली हैं कड़ी पत्ते हैं और जो है तीन से चार हरी मिर्चें उनको मैंने बीच से कट कर लिया है मैंने अभी हरी मिर्चें ज़ीरा और गोल वाली मिर्चें इसमें डाल के इसे जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है और इसे फ्राई करते रहेंगे जब तक इसके जो है वो तमाम मसालों की जो है वो खुशबू निकल आए और ये चिकन भी देखिए फ्राई हो रही है इसे मैं मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई रही हूँ ज़्यादा ना ही धीमी रखेंगे और ना ही ज़्यादा हाई रखेंगे सो ये मसाला जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी जी कैचअप और थोड़ा सा पानी मैं इसमें अभी ऐड रही हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि लहसन जो है वो जलना शुरू हो गया है सो अब इसमें मैं ये चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी और साथ ही जो है वो मैं कैचअप भी ऐड कर दूँगी ये दोनों मैंने हाफ हाफ कप ऐड किए थे अगर आप कैचअप ना ऐड करना चाहें तो वो ये आपकी मर्ज़ी है आप चिली गार्लिक सॉस ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा ये केचप वगैरह और सॉस डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मसाले को जो है वो फ़्राई कर लूँगी कि यहाँ तक अच्छी तरह मसाला यानी भुन जाए और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कड़ी पत्ते और फूड कलर तो मैंने मसाले में जो है वो फूड कलर डालने के बाद उसे थोड़ी देर पकाया है और अब इसमें मैंने ये सब चिकन ऐड कर दी है और ये चिकन हमने एक ही साथ सारी फ्राई करके जो है वो ऐड करनी है थोड़ी थोड़ी करके नहीं ऐड करेंगे बल्कि सारी जो है वो एक साथ ऐड कर देंगे और इसको जो है हम मसाले में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी जो है वो चिकन सिक्सटी फाइव जो है वो रेडी हो चुकी है और अब इस व खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है सो बस हम लोग का ये मज़ेदार सा जो है वो लंच रेडी हो चुका है अच्छा मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मैं कौन से वाले जो है वो राइस यूज़ करती हूँ सो मैं ये वाले इंडियन बासमती राइस यूज़ करती हूँ और ये हमें मिलते हैं जी अलमीरा से मिल जाएंगे लेकिन आपके पास अगर कोई आपके फ्रेंड हैं क़तरी सो आप उनका एक कार्ड होता है उनके पास जो वो लेके जाते हैं और इस तरह की ये चावल वगैरह जो है वो बहुत कम रेट में वो लोग लेते हैं सो हम भी इसी तरह से जो है वो आप भी उनसे ले सकते हैं अगर आपको कोई फ्रेंड है उनसे ले आप ये जाके जो है वो अलमीरा से ये जो है चावल बाई कर सकते हैं ईज़िली वहाँ से आपको ये आराम से मिल जाएंगे और इसकी जो है प्राइस मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रही सो मैं जो है वो जैसे मुझे याद आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और ये बहुत जबरदस्त चावल हैं बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं सो so, सैटरडे का दिन भी जो है वो पूरा यूं ही का यूं ही स्पेंड हो गया और यूं ही का यूं ही यानी कि बैठे थोड़ी देर और यानी थोड़ा काम वगैरह किए बस इस तरह से अभी हम लोग निकले थे बाहर और लेने जा रहे थे जी कुछ नाश्ते का सामान मुझे एक कमेंट आया था कि मक्खन जो है वो मैंने आपके साथ पिछले लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था वो वो लुलू में कहाँ से मिलता है सो मैंने कहा चलो लुलू ही चले जाते हैं और आपको जो है वहाँ पे दिखा देती हूँ ये है जी मक्खन जहाँ पे होता है रखा हुआ और हम अलमसीला वाले जो है वो लुलू गए थे सो यहाँ पर जो जिस तरह से सब इन्होंने पैक बना के रखे होते हैं ऑलिवज़ और पिकल वगैरह के तो यहीं पर आपको ये बटर मिल जाएगा और ये ओमान का बटर है और ये बहुत अच्छा होता है ये एक किलो तकरीबन आपको पाँच रियाल का नहीं सॉरी टेन रियाल का पड़ेगा फाइव फ्राल के इन्होंने हाफ हाफ़ किलो के जो है वो पैक बना के रखे हुए हैं आई होप आपको अच्छी तरह से जिन्होंने कमेंट किया था उनको समझ आ गया होगा सो so, बस मैं थोड़ी बहुत यहाँ से चीज़ें बाय करती हूँ और आप लोगों से ले लेती हूँ इजाज़त आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फिर मिलूंगी टिल दैन टेक केयर अल्लाह हाफिज़